2023 के आखिरी 9 लीग मैच तय करेंगे 9 टीमों की किस्मत। 5 होगी बाहर और 4 को मिलेगा प्लेऑफ का टिकट। IPL 2023 के अभी तक कुल 61 मुकाबले खेले जा चुके हैं, मगर अभी तक प्लेऑफ में पहुंचने वाली एक भी टीम का नाम साफ नहीं हो पाया है। सीजन 16 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप 4 में है, मगर अभी तक किसी के भी नाम के आगे क्वालिफाई का टैग नहीं लगा है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र ऐसी टीम है जो आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में IPL 2023 लीग स्टेज के आखिरी हफ्ते के 9 मैच 9 टीमों की किस्मत तय करेंगे। इसमें से 4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी, वहीं 8 टीमों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं IPL 2023 की प्लेऑफ समीकरण की। बात करें अगर गुजरात टाइटंस की, हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली GT प्लेऑफ में पहुंचने से एकमात्र जीत दूर है। गुजरात को सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 2 मैच खेलने हैं। इस गत चैंपियन टीम के क्वालिफायर 1 में खेलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, KKR से मिली हार ने CSK का समीकरण बिगाड़ दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी मैच जीत कर CSK अधिकतम 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। उन्हें अगर टॉप 2 में ख़त्म करना है तो मुंबई इंडियंस की हार की दुआ मांगनी होगी। वहीं ये भी कामना करनी होगी कि अगर लखनऊ अपने दोनों मैच जीतती है तो वो ज़्यादा अंतर से ना जीते। इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा की टीम को लीग स्टेज में 2 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने हैं, मगर 5 बार की यह चैंपियन टीम दोनों मैच जीतती है तो उनका पहला क्वालिफायर खेलना तय हो जाएगा। वहीं एक हार के बाद उन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अन्य टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, LSG फिलहाल 13 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर है। अगर वह अपने बचे दोनों मैच जीतती है तो वह आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर एक मैच में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो RCB और पंजाब की हार की दुआ करनी होगी। अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, फैफ डुप्लेसी की इस टीम को अपने बचे 2 मैच सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने हैं। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें दोनों मैचों में जीत दर्ज तो करनी ही होगी, साथ ही MILSG और PBKS की एक-एक हार की दुआ भी करनी होगी। अगर बात करें पंजाब किंग्स की, शिखर धवन की अगुवाई वाली यह टीम 12 पॉइंट्स के साथ 8वें पायदान पर है। पंजाब को दिल्ली और राजस्थान के खिलाफ 2 मैच खेलने हैं। यह दोनों मैच जीत कर पंजाब अधिकतम 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। उन्हें इसके अलावा RCB, MI और LSG की एक एक हार की कामना करनी होगी। इनके अलावा राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स 3 ऐसी टीमें हैं जो अधिकतम 14-14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती हैं। इनका प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि अगर यह टीम अपने अपने सभी मुकाबले जीतती है तो इन्हें बाकी टीमों के परिणामों पर निर्भर होना पड़ेगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।